जितने भी भविष्य में नाना जी लोग आने वाले हैं, मेरी उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आएँ उत्तम चरित्र के साथ आएँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपका इतना स्वैग से स्वागत हो जाए कि जब आप घर वापस जाएं तो नानी जी लोग आपको पहचान ही ना पाए। बाकी आप आइए, आपका हम स्वागत करते हैं। नाना पाटेकर थप्पड़ कांड पर पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह का दिया गया बयान लगातार चर्चा में है। इसी बीच आईएएस अभिषेक सिंह ने एक वीडियो जारी कर नाना पाटेकर को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने नाना पाटेकर के थप्पड़ मारने को गलत ठहराया, साथ ही नाना पाटेकर को अतिथि देवभव का पाठ भी पढ़ा डाला। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि कई मीडिया चैनल्स ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि मैंने नाना पाटेकर जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह ने बताया कि नाना पाटेकर थप्पड़ कांड पर बयान देने के बाद कई मीडिया चैनल्स ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि उन्होंने नाना पाटेकर जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, पर अब तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब आप उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने आते हैं तो हमारी सरकार आपको सब्सिडी देती है, हमारे लोग आपको सम्मान देते हैं, हम अतिथि देवोभव की संस्कृति पर विश्वास करने वाले लोग हैं और बदले में आप हमें प्यार की जगह थप्पड़ मारेंगे तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर देना बहुत अच्छे से आता है। हमारा सब कुछ उत्तम है, हमारा सम्मान उत्तम है, हमारा स्वागत उत्तम है और हमारी पिटाई भी उत्तम है। तो अगली बार जब आप आए तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके साथ यूपी ना हो जाए, अर्थात उत्तम पिटाई। और जितने भी भविष्य में नाना जी लोग आने वाले हैं, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आए उत्तम चरित्र के साथ आए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका इतना स्वैग से स्वागत हो जाए कि जब आप घर वापस जाए तो नानी जी लोग आपको पहचान ही ना पाए। बाकी आप आइए, आपका हम स्वागत करते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जब आप उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने आते हैं तो हमारी सरकार आपको सब्सिडी देती है, हमारे लोग आपको सम्मान देते हैं, हम अतिथि देवो भव की संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं और बदले में आप हमें प्यार के बजाय थप्पड़ मारें तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर देना बहुत अच्छे से आता है। हमारा सब कुछ उत्तम है, हमारा सम्मान उत्तम है, हमारा स्वागत उत्तम है और हमारी पिटाई भी उत्तम ही है। तो अगली बार जब आप आएँ तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके साथ यूपी ना हो जाए, अर्थात उत्तम पिटाई। और जितने भी भविष्य में नाना जी लोग आने वाले हैं, मेरी उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आएँ उत्तम चरित्र के साथ आएँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपका इतना स्वैग से स्वागत हो जाए कि जब आप घर वापस जाएँ तो नानी जी लोग आपको पहचान ही ना पाए। बाकी आप आइए, आपका हम स्वागत करते हैं। बता दें, नाना पाटेकर थप्पड़ कांड पर पूर्व आईएएस और बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे अभिषेक सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी थी। पूरे घटनाक्रम को उन्होंने बेहद गलत बताया था, साथ ही अपने पुराने तेवर दिखाते हुए कहा था कि पीड़ित युवक अगर हमसे संपर्क करेगा तो मैं कार्रवाई करवा दूंगा। अभिषेक सिंह अभिनेत्री सनी लियोनी के साथ म्यूजिक एल्बम के प्रमोशन के लिए काशी आए हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछने पर उन्होंने ये बात कही थी। दोनों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के साथ गंगा आरती भी देखी थी।